हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एक्सप्रेस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एम्बिशन। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी, बनाएगा सब कुछ इजी। आज हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में आर्टिकल का बचा हुआ पोर्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटे को आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हमारा लेक्चर टू है आर्टिकल का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। द इज यूज्ड फॉर दैट नाउन व्हिच इज अर्लियर यूज्ड इन द कन्वर्सेशन एंड फॉर डेफिनिट केस। मतलब यह है कहने का, द का यूज जो होता है वो किया जाता है आपका उस जगह पे जब किसी कन्वर्सेशन में आपने किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में पहले ही डिस्कस कर रखा हो, फिर यदि हम उसको रिपीट करते हैं तो द लगा के रिपीट करते हैं। जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपको एक आदमी मिला, तो आप यही बात घर पे बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज गोइंग, आई मेट विथ अ पर्सन। उसके बाद यदि उस पर्सन के बारे में बोलोगे तो आप पर्सन नहीं बोलोगे, द पर्सन। अभी आपने बोला आई वॉज गोइंग, आई मेट विथ अ पर्सन, मतलब आप एक पर्सन से मिले। उसके बाद जब भी इस पर्सन के बारे में कुछ भी आप बोलोगे तो द लगा के, जैसे द पर्सन वॉज वेरी डेंजरस। तो अभी उस पर्सन के बारे में हमने बात की तो द लगा दिया। मान लो आप गए टीवी खरीदने, ठीक है, मतलब शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो आप पापा के साथ गए थे टीवी खरीदने के लिए, आपको एक टीवी बहुत पसंद आया बट आप नहीं ले पाए, तो आप बोलोगे घर पे आके, मम्मी आई लाइक्ड वन टीवी, द टीवी वॉज ऑसम। मतलब उस टीवी के बारे में यदि आप बात करोगे तो द लगाओगे। मतलब किसी भी चीज़ को यदि आप रिपीट कर रहे हो कॉन्वर्सेशन में तो उसके लिए आप द लगाओगे। जैसे मान लो आप कभी कहानी सुनते हैं, बहुत सारा कहानी हमारे क्या होता है, एक बार एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, ठीक है। आप उस राजा के बारे में जब भी रिपीट करेंगे तो द किंग वॉज ऐसे करके रिपीट करेंगे, यानी किंग वॉज, द किंग मतलब हम उसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है रिपीटेड केस। यदि हम अर्लियर यूज कर चुके हैं तो उसके बाद जब भी उसका यूज करेंगे तो हम द लगा के यूज करेंगे, ठीक है। टुडे आई टॉक टू अ स्टूडेंट, आज मैंने स्टूडेंट से बात की, द स्टूडेंट। अब इसी स्टूडेंट के बारे में रिपीट कर रहे हैं तो हम द स्टूडेंट लिख रहे हैं। द स्टूडेंट वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। तो जब हम यहाँ पे एक बार हम यूज कर चुके हैं फिर उसी को रिपीट करना है हमें, तो हम द लगा के रिपीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, द बॉय विथ अरुण, अरुण के साथ जो बॉय है इज माय ब्रदर। कभी कभार आप एक स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात करना चाहते हो, आपका कोई रिलेटिव होता है या आप उस पर किसी भी टाइप का वो शो करना चाहते हो तो वहाँ पर भी द का यूज करते हैं। इसका मतलब जो अरुण के साथ बॉय है वो आपका भाई है। द इज यूज बिफोर माउंटेन्स रेंज नेम, द का यूज माउंटेन्स के रेंज के नेम से पहले यूज होता है, ठीक है। माउंटेन रेंज जैसे द हिमालयाज, हिमालयाज में बहुत सारे पहाड़ी आती है, ठीक है। जैसे तीन रेंजेज होते हैं, पता नहीं हिमालयाज, हिमाद्री, तो ये माउंटेन रेंज से पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर, ओशन, सी, सेलेस्टियल बॉडीज, लेक, ऐसे जो होते हैं ना पानी वाले जितने भी चीज होते हैं उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर से पहले जैसे मान लो द गंगा, ओशन से पहले द इंडियन ओशन, सी से पहले तो जैसे द अरेबियन सी, सेलेस्टियल बॉडीज कोई सा भी है जैसे मान लो सन, प्लैनेट, या कोई सा भी सेलेस्टियल बॉडीज है तो द सन, द मून, द अर्थ, ऐसे करके। लेक से पहले तो द चिल्का लेक, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ठीक है। द का यूज इन सबसे पहले करना ही करना है। द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिक है तो उससे पहले हम उस द का यूज करेंगे। यूनिक मतलब वैसा ऑब्जेक्ट आप मान लो दूसरा नहीं है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वंडर्स के नाम से पहले हम द का यूज कर सकते हैं, द ताजमहल, द एफिल टावर, तो इन सबसे पहले हम द का यूज करेंगे। द इज यूज बिफोर एनवायरमेंट एंड एटमोसफेयर, जब कभी हम एनवायरमेंट और एटमोसफेयर की बात करेंगे तो द हमेशा उससे पहले आएगा। जैसे देखिए, वी मस्ट थिंक अबाउट द एनवायरमेंट, देखिए द इज यूज बिफोर डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस नेम के पहले द का, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, इन सबसे पहले हम द का यूज करते हैं।
बट इफ द प्लेस इज एडेड विद द डायरेक्शन देन डू नॉट यूज द आर्टिकल। हाँ, यदि मान लो डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस का नाम जुड़ा है तो हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द वेस्ट बंगाल गलत है, हमें सिर्फ वेस्ट बंगाल बोलना है। वेस्ट डायरेक्शन है, बंगाल जो ये पूरा जगह का नाम हो गया ना, तो ये गलत है। तो इसी हम ये गलत है द लगाना, ये सही है, ये सही है। वेस्ट बंगाल सही है, द वेस्ट बंगाल गलत है, द साउथ अफ्रीका गलत है, साउथ अफ्रीका सही है। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ, इन सब नेम्स के पहले द का यूज किया जाता है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो द WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे पहले यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द BJP तो इनसे पहले द का यूज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो द गिटार, इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। न्यूज पेपर्स के नेम से पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इनसे पहले हम द का यूज करेंगे ही करेंगे। होली बुक, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, द बाइबल, कुरान, रामायण, तो इनसे पहले हम द का यूज करेंगे। गल्फ, गल्फ जितने भी हैं जैसे द बे ऑफ बंगाल, तो ये सबसे इन सबसे पहले हम द का यूज करेंगे। इन्वेंशन के नेम से पहले, कोई भी चीज़ यदि इन्वेंट की गई है तो उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया है तो द माइक्रोस्कोप, द कंप्यूटर। डेजिग्नेशन बॉडी, डेजिग्नेशन हाँ, किसी भी डेजिग्नेशन से पहले हम यूज करते हैं, जैसे द CEO, द डायरेक्टर, ये डेजिग्नेशन है ना, तो उनसे पहले हम यूज करते हैं। बॉडी पार्ट्स के नेम के पहले भी करते हैं, लेकिन ये केस होता है जब आप पोजिशन शो करते हैं। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉडी पार्ट जिसमें पॉजिटिवनेस दिखेगा, पॉजिटिवनेस मतलब जैसे जहां पे हम माई आईज यूज कर सकते हैं, हिज आईज, ठीक है, तो वहां पे माई आईज हिज आईज को हटा के आप वहां पे द आई लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे पॉजिटिवनेस हो, प्लैनेट नेम से पहले, जैसे कि मैंने सेलेस्टियल बॉडी का नाम बता दिया, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो द अर्थ, द जुपिटर, ये सारे जितने भी प्लैनेट के नेम हैं उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। होटल के नेम, होटल के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। होटल का नेम का मतलब क्या हो गया, कोई सा भी होटल है, द होटल हयात, द ताज होटल, इन सबसे पहले हम द का यूज करेंगे। डेट, डेट से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे आज कितना डेट है, द 18th of July, तो इनसे पहले हम द का यूज करेंगे। ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी है, जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ट्रॉफी का नेम होता है ना, टूर्नामेंट्स का, उसके नेम से पहले, जैसे द रणजी ट्रॉफी, ठीक है। वॉर, कोई भी युद्ध है, युद्ध के नेम से पहले, रेवोल्यूशन के नेम से पहले, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। पुलिस, पुलिस से पहले द का यूज होगा, द पुलिस, द आर्मी। रिलीजन के नेम से पहले द का यूज होगा, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनके नेम से पहले भी द का यूज होता है, जैसे द लेजिस्लेचर, ठीक है। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट जो होता है उनके नेम से पहले भी द का यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये आप देख भी सकते हो, मैंने वही चीज़ लिख रखा है जो आपको भी बताया किन किन से पहले द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनके पहले हमेशा हम द का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी शुड नॉट यूज़ आर्टिकल, कहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फॉलोइंग से पहले हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। मंथ नेम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे द जुलाई बोलना गलत है। हॉबीज़ से पहले आप द नहीं यूज कर सकते, जैसे आई लाइक द सिंगिंग, सिंगिंग आपकी हॉबीज है तो द नहीं यूज करेंगे, गलत है। मील्स नेम से पहले द कभी नहीं यूज होगा, मील्स नेम मतलब जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब से पहले कभी भी द यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट्स नेम के पहले द यूज नहीं होगा, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सबसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डेज नेम से पहले द का यूज नहीं होगा, डेज मतलब संडे, मंडे, इन सबसे पहले द का यूज नहीं होगा। लैंग्वेज नेम, लैंग्वेज नेम से पहले द का यूज नहीं करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन सबसे पहले हम फ्रेंच, इन सबसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ले देखो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में कहाँ पे हम कर सकते हैं, चलो बता ही देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे हम लैंग्वेज की जब बात करेंगे तो द का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन हम देखो यदि किसी की नेशनलिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे द का यूज होगा। देखो इंग्लिश जो है लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश हम जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उनको भी बोलते हैं, उनकी नेशनलिटी यदि पूछोगे आप, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो वो बोलते हैं इंग्लिश। हमारी नेशनलिटी जैसे इंडियन है, इंग्लैंड वालों की नेशनलिटी क्या होगी, इंग्लिश। फ्रांस वालों की नेशनलिटी क्या हुई, फ्रेंच। तो जब नेशनलिटी के लिए इंग्लिश या फ्रेंच यूज किया जाएगा तो वहां पे हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द इंग्लिश डज नॉट स्पीक हिंदी,
यहाँ पे इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लैंड के लोग, तो यहाँ पे नेशनलिटी शो की गई, तो यहाँ पे हम द का यूज करा, लेकिन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए यूज किया गया, तो यहाँ पे द इससे पहले नहीं आया। द इंग्लिश साइंस डील विद द फ्रेंच, यहाँ पे दोनों जो है नेशनलिटी शो कर रही है, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग, फ्रेंच मतलब लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, फ्रेंच मतलब यहाँ फ्रेंच के लोग, तो इन दोनों से पहले हमने द का यूज किया गया। तो जब ये इंग्लिश या फ्रेंच ये लैंग्वेज ना होके नेशनलिटी शो करेगा तो हम यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं आगे, गेम्स नेम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, क्रिकेट के पहले द, फुटबॉल के पहले द नहीं बोलेंगे, गलत है। माउंटेन्स पीक्स नेम के पहले द का यूज नहीं किया जा सकता है, माउंट एवरेस्ट बोलना है, द माउंट एवरेस्ट बोलना गलत है, ठीक है। कंट्रीज नेम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, जैसे द इंडिया, द मान लो अमेरिका, ये सब बोलना गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्टार है, तो स्टार क्यों है यहाँ, यदि कंट्री के नेम में यूनाइटेड हो या मान लो किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, तो फिर हम द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, ये सही है, लेकिन द अमेरिका बोलना गलत है, द यूनाइटेड किंगडम सही है, द इंग्लैंड बोलना गलत है, द चेक रिपब्लिक बोलना सही है, ठीक है। तो जब किसी भी कंट्रीज के नेम में यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम ये सब लगा हुआ है तो हम द लगा सकते हैं, नहीं तो कंट्री नेम के पहले द नहीं आता है। पर्सन्स नेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे द राहुल या अराहुल बोलना गलत है, लेकिन इस पे भी देखो आप, स्टार बना हुआ है, यानी ये यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्शन होगा। देखो, वी डू नॉट यूज द बिफोर पर्सन नेम, बट समटाइम्स वेन वी टॉक अबाउट एन अननोन पर्सन देन वी यूज अ। मान लो यदि आप किसी अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रहे हो, यदि आपके घर पे कोई स्ट्रेंजर किसी से मिलने आया, जैसे मान लो एक राहुल नाम का लड़का किसी से मिलने आया, राम के बारे में पूछ रहा था, तो राहुल वॉज आस्किंग अबाउट राम, यहाँ पे हम अ का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये अननोन पर्सन था, हमें पता नहीं, एक राहुल आया था, कौन राहुल था पता नहीं, ठीक है, इस जगह हम यूज कर सकते हैं। तो जिस पे स्टार लगा हुआ है उसका मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। प्लेसेस नेम के पहले द नहीं यूज करते, जैसे मान लो द दिल्ली बोलना, द मुंबई बोलना गलत है, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, चलो इनके एक्सेप्शन अभी देख लेते हैं, इनके एक्सेप्शन क्या है। जैसे देखो, हमने बोला था जनरली वी डू नॉट यूज द बिफोर प्लेस नेम, बट समटाइम्स प्लेस नेम ऑलवेज कम विथ आर्टिकल, तो जैसे कभी हमें द ग्रेट ब्रिटेन बोलना है तो इनमें द हमेशा आता है, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड से पहले द हमेशा आएगा, पंजाब, देखो कभी भी हम स्टेट के नेम से पहले द नहीं लगाते हैं, गलत है, लेकिन पंजाब इसमें एक्सेप्शन है, पंजाब अपने साथ द लगाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है, प्लेसेस के नेम से पहले द लगाना गलत है, लेकिन जो कुछ प्लेस होते हैं, चार पांच प्लेसेस ऐसे हैं जिनसे पहले द लगाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम में द लगा रखा है। डिजीजेस नेम के पहले द लगाना गलत है, जैसे द COVID-19 बोलना गलत है, लेकिन कुछ डिजीजेज होते हैं जिनमें द लगा होना चाहिए, जैसे मान लो द मम्प्स, देखते हैं कौन कौन से डिजीज हैं वो पढ़ते हैं। देखो, सम डिजीजेज कम्स विद द, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू, द रिकेट्स, द मिसल्स, ये सारे डिजीज के नेम से पहले द हमेशा आएगा। वैसे नॉर्मल कोई सा भी दूसरा डिजीज होगा तो उनसे पहले हमें द यूज नहीं करना, वो गलत होता है। स्टेट्स नेम, जैसे अभी बताया था मैंने, स्टेट्स नेम से पहले द का यूज नहीं किया जाता है, बट एक स्टेट है पंजाब, उसमें द लगता है, तो ये एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों से पहले, इन सब वर्ड्स से पहले द का यूज करना नहीं होता, ये मैंने लिखा है, शुड नॉट यूज आर्टिकल, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है जिसपे स्टार लगा वो मैंने अभी बता दिया, वो आपको नीचे मिल जाएगा, अभी आप, मैं नीचे करूंगा स्लाइड डाउन, तो आप लिख सकते हो या फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। जनवरी सिंगिंग, अब ये क्या है इसमें, हाँ मैंने इसको लिखा, जैसे देखो मंथ्स नेम जनवरी, जैसे मैंने बता दिया सिंगिंग से पहले नहीं लगाते, वो सभी यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। बिहार स्टेट है तो स्टेट नाम से पहले द नहीं लगाएगा, बिहार ही लिखना है, दिल्ली के पहले दिल्ली ही लिखना है, द दिल्ली लिखना गलत है। प्लेस के पहले द लगाना गलत है, जैसे यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ। कंट्रीज नेम के पहले द लगाना गलत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमने कुछ एक्सेप्शन जो लिखे वो मैंने बता दिया आपको, वो आप नोट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। राहुल जैसे अननोन पर्सन से पहले हम अ लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन का नाम से पहले द लगाना गलत है। अब देखो जनरली वाला रूल जो था, प्लेसेस के नेम से पहले लगाना गलत है, लेकिन कुछ प्लेसेज हैं जिनसे पहले हम लगा सकते हैं क्योंकि उनके नाम में होता है। डिजीज के नेम से पहले द लगाना गलत है, लेकिन ये डिजीजेज हैं जिनके नाम से पहले हमें द लगाना चाहिए, ठीक है।
इज यूज बिफोर दैट कंट्रीज, मैंने बताया था जिन कंट्रीज के नाम में यूनियन शब्द हो, रिपब्लिक शब्द हो, किंगडम शब्द हो, यूनाइटेड हो, इनमें हम द लगा सकते हैं। जैसे द सोवियत यूनियन, इनसे पहले द लग सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, इनसे पहले द लग सकता है। चेक रिपब्लिक, इनसे पहले द लग सकता है। बट नॉर्मल किसी कंट्रीज के नेम से पहले द लगाना गलत है। द इज ऑल्सो यूज वेन वी कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टू नाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दो नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते, दो नाउन मतलब सिमिलर कैटेगरी के, जैसे मान लो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ही इज अ हिटलर, वो एक हिटलर है, यहाँ पे एक आदमी है, उसको हम हिटलर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे राहुल इज राम ऑफ हिज फैमिली, इसका मतलब क्या है? राहुल अपने फैमिली का राम है, समझ में आ रहा है? तो राम के साथ हम राहुल की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में राहुल का कुछ ज्यादा ही जिक्र कर दिया। इन बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु जो है इंडिया का सिलिकॉन वैली है, तो बेंगलुरु का कंपैरिजन यहाँ पे हमने सिलिकॉन वैली से कर दिया, तो यहाँ पे हमें द लगाना जरूरी है, मैंने लगा दिया। देखो बेंगलुरु से पहले नहीं लगेगा, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे पहले लगेगा, सिलिकॉन वैली से पहले लगा, राम से पहले लगा, हिटलर से पहले लगा, तो जिस ऑब्जेक्ट से हम कंपैरिजन करते हैं उनसे पहले लगता है, जिस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं उनसे पहले नहीं लगता है। ये रहा आपका आर्टिकल का क्लास खत्म। तो बताइए अगला हम शायद प्रोनाउन करेंगे, और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं दे रखी है तो ऊपर में आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करोगे तो ग्रामर के इससे पहले वाले वीडियोज आपको मिल जाएगा, लिंक वहां पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। चलो थैंक यू, अगले वीडियोज में मिलते हैं।